तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आपके लिए फाफर खबर शुरू करते हैं। सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा की आचार समिति या एथिक्स कमेटी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध जाँच की मौजूदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए 7 नवम्बर को बैठक करेगी। आपको बता दें कि ये मामला भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। पंजाब सरकार के 7 बिलों को अटका कर रखने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए गवर्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि शुक्रवार तक आप बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए 7 विधेयकों पर आप अब तक क्या एक्शन लिए हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम शुरू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन के खिलाफ PFI की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में एक्शन न लेने को लेकर पुलिस को आरे हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और 2 सितंबर को स्टेज पर मौजूद रहे शेखर बाबू पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना ड्यूटी में लापरवाही है। कथित शराब घोटाले में ED की ओर से भेजे गए समन पर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बुलाई गई इस बैठक के बाद अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने फारस की खाड़ी में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को भेज दिया है। अमेरिका के इस फैसले को ईरान के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार ये कह रहा है कि इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो हम युद्ध में उतरेंगे। ऐसे में अमेरिका के इस कदम को ईरान की घेरेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। भूटान और चीन के बीच सीमा समझौते की तरफ बढ़ रही बातचीत भारत को टेंशन देने वाली थी। हालांकि भारत और भूटान के संबंध पर चीन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत और भूटान के बीच व्यापार, तकनीक और सीमा पार परिवहन को लेकर कई ऐसे समझौते हुए हैं जो दोनों देशों के संबंध और मजबूत करेंगे। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना में कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा में AIMIM पर अलग अलग राज्यों में BJP से पैसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के नमपल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अपने बाप की सीट हार गए, दादा की सीट हार गए और हैदराबाद आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं जिंदगी में दुनिया में आया हूं तो जाने के लिए तैयार हूं। मैं मौत से कभी नहीं डरा ना कभी डरूंगा, मगर मुझे जमात की फिक्र थी और हमेशा रहेगी। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ वक्त अब तक अल्लाह ने मुझे दिया है और आइंदा भी देगा, उसका एक एक लम्हा मेरी एक ही फिक्र होती कि मेरी जमात को कैसा मजबूत किया जाए। मुझे एक ही चीज का डर होता है कि शर के मैदान में जब तमाम लोग खड़े होंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन बुजुर्गों को जिन्होंने नहीं मालूम क्या क्या इस मजलिस के लिए किया होगा। शायद नौजवान नहीं जानते ये जो यहां पर ईदगाह का ग्राउंड है इसको बचाने के लिए कौन सबसे पहले तहरीक शुरू किया था मालूम आपको? बुजुर्गों को मालूम होगा, मरहूम इस्माइल जबी साहब। वहां पर आकर इस्माइल जबी साहब सो गए थे, कई कई दिन तक सो गए थे उस ईदगाह को बचाने के लिए। ये मजलिस के इस्माइल जबी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफरत करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपका आपकी जमात है, ये आपकी आवाज है। आप सिर्फ जमात के नाम पर मजलिस का वोट दीजिए, कोट दीजिए। शख्सियतें आएंगी और चले जाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी भी इस मट्टी में घुल जाएगा, मगर जमात को मजबूत रखिए। इल्जामात लगते रहेंगे, बहुत बातें की जाएंगी मेरे बारे में, आ रहे हैं मोदी जी और ये भी आएंगे, सब लोग सिर्फ एक ही दीवाने का नाम लेंगे। मैं सबके लिए लैला हूं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बोलना चाहे बोल लो, अखबारात में बहुत गलत बातें लिखी जाती हैं, झूठे बातें लिख दिए जाती हैं। आज दिन भर से न्यूज चल रही, मुमताज खान जा रहे, अरे पठान का बच्चा है वो नहीं जाने वाला है।
ये दूसरा जाएगा। जा रहे, मेरे को मीडिया वाले बोल रहे। मैला क्यों, आपको कैसा मालूम? नहीं हम सुने। मैला बहुत सुनते, इलेक्शन का जमाना है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोलते, तो मालूम मेरे को। जा रहे, कोई नहीं जाने वाला है। मैं, मुझे यकीन है कि सब अफवाहें फैलाई जाएंगी, कुछ होने वाला नहीं है। दुश्मनों की एक चाल है, अब बैठ के कुछ एक छोड़ दो सोचा, अब अपने लोग दो घंटे, क्या साहब कुछ ऐसा है क्या? अरे मैं बोला भाई साहब कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा फिर हमारे ये जो कांग्रेस के बीजेपी के लोग हैं, आप जो है ये नाम दिए, और आपके साथ में आप 6 हलकों का नाम दे दिए, एक बहादुरपुरा बाकी है, जुबली हिल बाकी है, राजनगर बाकी है, आप किसको देंगे? मैं बोला मेरी मर्जी, पार्टी का फैसला होगा। नहीं आप अभी तक इसमें खवातीन को नहीं दिए। मैं बोला मेरे पास वुमेन कॉर्पोरेटर है, मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना साहिबा हमारे साबिका बल्दिया भी है, देंगे उनको इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा तो बराबर देंगे। हमारी ये हमारे भाई की बेटी सैयदा फलक भी तकरीर किए। बोला वक्त आएगा, सबको आएगा। फिर उसके बाद बोले आप क्या गैर मुस्लिम को भी देंगे? बोला मेरे पास कॉर्पोरेटर राजमोहन है, अमित शाह आके 4 मीनार के खड़े हो गए, राजमोहन को हराऊंगा। योगी आ यूपी से, 4 घंटे सदका फिरे पुराने शहर में, राजमोहन भी जीता, हमारा स्वामी यादव भी जीता कारवान का। राजमोहन चौथी मर्तबा का पुराना पुल का कारपोरेटर है। राजमोहन जिस दिन अमित शाह मेरे को फोन किया घासी बाजार से, हमारे गौस बोले साहब आ रहे हो? अरे वाला कुछ नहीं होता भाई साहब, फिक्र मत करो, 4 मीनार अब्बा की जगह है, वहीं आ रहे हो, कुछ नहीं होता। आए उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। अब हमारे मीडिया के लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि राजेंद्र नगर से मजलिस का एक 22 साल पुराना रुकुन है, किता 22 ईयर्स ओल्ड साबिका रुकने बल्दिया, उसका नाम क्या है? बी रवि यादव, राजेंद्र नगर का कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह। अब आप बताओ आप क्या करेंगे? बाप आप बोलेंगे ये क्या चाल चल दिया रे भाई तू, चाल अब पहले ही सही कर दिया तो नहीं होता ना। तो अब हमारा रवि यादव राजेंद्र नगर से हमारा उम्मीदवार है, अब मैं ऐलान कर दिया, आप देखो इनमें इतनी बेचैनी शुरू हो जाएंगी। मामू के पास भी बेचैनी, राहुल के पास भी बेचैनी, मोदी के पास भी बेचैनी, ये क्या हो रहा है? मेरे भाई थोड़ा हम भी सियासत जानते हैं, हमने भी तैयारी की है, नामपल्ली के लिए हो, जितने हमारे हल्के जात के लिए हो, हम कोई हाथों में मेहंदी लगा के नहीं बैठे हैं।